सोचो तुमने अभी जस्ट आर्मर बनाया है और कोई बंदा तुम्हें मार के तुम्हारा आर्मर चोरी कर लेता है, तो तुम क्या करोगे? वेल, आज मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, बट वाई? बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने एक सीक्रेट सोसाइटी नाम के टीम को ज्वाइन किया था, एंड अभी हम लोग को उस टीम में बहुत सारे आर्मर वगैरह की जरूरत है, ताकि अगर अभी वॉर वगैरह होता है तो हमारे पास हमेशा सप्लाईज रहे, और उसी के लिए मैं सबका आर्मर चोरी करने वाला हूँ। अभी बस मैं प्लेयर्स के पास जाके सीधा आर्मर थोड़ी ले सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने एक फेक गेम बनाने का प्लान किया, और मेरे पे एक बहुत अच्छा गेम रेडी है। यस, यही गेम है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये गेम में क्या होने वाला है? डोंट वरी गाइस, मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉयल के मेंबर्स को बुला लूंगा और उन्हें मैं बोलूंगा कि इसके अंदर बहुत सारा सामान है जिसे आप ढूंढोगे तो आपको प्राइज मिलेगा, बट मैं उन्हें ये भी कहूंगा कि इसके अंदर कुछ ट्रैप्स है, और अगर आप गलती से ट्रैप में मर जाते हो तो आपका सामान ना चल जाए, इसलिए अपना सारा सामान आप यहाँ पे रख दो। तो उससे लॉयल मेंबर आएंगे, यहाँ पे अपना सामान रखेंगे और अंदर चल जाएंगे ढूंढने के लिए, और जैसे वो लोग ढूंढ रहे होंगे वैसे मैं चुपके चुपके यहाँ इनका सामान उठाऊंगा और यहाँ से पल करके निकल लूंगा। यस आई नो, जीनियस प्लान है। तो बस अब टाइम आ गया था लॉयल एसएमपी के मेंबर्स को बुलाने का, और मेरे बुलाने पे सारे मेंबर्स तो आ ही जाए। सिर्फ तीन मेंबर्स? कोई नहीं, ये तीन ही चलेंगे। आदाब, अभिनंदन, आभार, मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, बट आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस खेल में। वाह वाह, थोड़ा थोड़ा और जोश यार। तो आप अपने बगल में ये घर देख रहे होगे ना, तो इस घर के अंदर मैंने ना कुछ सामान छुपा दिया है, एंड जो भी उसे ढूंढेगा मैं उसे बहुत ज्यादा सामान दूंगा, प्राइस दूंगा बहुत सारा। ओके, आप अमीर बन जाओगे एकदम। बट एक ट्विस्ट है, सामान के साथ इसके अंदर ट्रैप्स भी हैं इस घर में, तो आप मर भी सकते हो, बट क्योंकि ताकि आप नॉर्मली आप नहीं तो आप जीतो या मरो, ताकि आपका जो करंट सामान है वो ना जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपना सामान इसके अंदर रख दो, तो सेफ रहोगे। ये शल्कर्स के अंदर, तो सेफ शल्कर्स के अंदर सेफ रहोगे। तो आ जाओ गाइस, अपना सामान जैसे ही शॉर्ट वॉर्ड रख लो, जो आपको मर्जी है, बस आप जो देखो जितना सामान आपको बचाना है आप उतना अंदर रख लो, बाकी देख लो। तो इसी के साथ उन सब ने अपना सामान उस शल्कर्स के अंदर रख दिया था, और अब टाइम आ गया था उन्हें चोरी करने का। सो पूरा घर खाली है, ढूंढना स्टार्ट करो कहीं पे भी, मैं इधर ही खड़ा हूँ। क्या है भाई, कहाँ पर होगा ये? यहाँ पर कुछ तो होगा। अरे ऊपर 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 मिला, मुझे मिला लग रहा। क्या 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 मिला, क्या मिला? तो आप लोग ढूंढो, मैं प्राइस रेडी करके ला रहा हूँ आपका, ठीक है? आप लोग ढूंढो, प्राइस रेडी करके ला रहा हूँ। आप लोग ढूंढो, मैं प्राइस रेडी करके आ रहा हूँ। भाई क्या झमेला है, कुछ नहीं है भाई यहाँ पर। गाइस कांग्रेचुलेशन, आप लोग स्कैम हो गए। बाय बाय गाइस, मैं मिलता हूँ कल। अगर सामान वापस चाहिए तो मत आना डीमार्ट के ऊपर। बाय बाय। वेल गाइज, उन तीनों को हम लोगों ने बहुत आराम से स्कैम कर दिया, और अब हमारे पास उन तीनों का सामान आ चुका है। तो 14 में से 3 लोगों का हमने आर्मर ले लिया है। तो इसके बाद मैं बल्की स्टार के पास चला गया। बल्की भाई, कैन आई गेट योर आर्मर प्लीज? पहले सोएंगे फिर देंगे। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर? ओह थैंक यू। मेरे पास एक और है। एंड देन डीजीएस आर्मर लिया। मुझे चाहिए तुम्हारा सॉर्ड। ओके, और जब तक मैं एक न्यू बेस नहीं बना लेता हूँ, तब तक मैंने इन 5 लोगों का आर्मर इस छोटे से केव में छुपा दिया। एंड इसके बाद मैं ओएस के पास गया। यो 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 ओएस भाई, यो रेक्सी भाई, क्या चल रहा है? क्या मुझे अपना आर्मर दे सकते हो? हम क्यों, आपने नकली डायमंड आर्मर पहन रखा है, इसलिए मेरा ओरिजिनल आर्मर लेने की? नहीं यार, बस मुझे थोड़ा जरूरी काम है। आर्मर चाहिए आपको? हम देखो, मैं वैसे दूंगा नहीं, बट दे दे तो चलो आपको आर्मर। अरे अरे थैंक यू, बट उसके लिए कुछ काम तो करोगे ही, ऑब्वियसली ऐसे फ्री में थोड़ा कर दूंगा। तो क्या, तो ऐसा करो, देखो ये स्पोन कितना सुंदर सुंदर है ना। अब एसएमपीज का स्पोन सुंदर होना इज लाइक समथिंग रेयर चीज, ये थोड़ा गंदा होता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो आपने भी इधर कुछ घर बना रखे, मेरे सुनने में आ रहे हैं वो आगे छोटी सी, वो झुग्गी कह सकते हैं जो भी घर है वो। हाँ हाँ, ये लो है भाई, ये थोड़ा असंद में भीड़ लगे, उड़ा दो उसे। हैं? उड़ा दो, ये तुम्हें उड़ाने जा रहा हूँ। तो यार आर्मर दूंगा, ठीक आ जाओ यार आर्मर की। देखो एक आदमी को अपने बेस से सबसे ज्यादा प्यार होता है, आपको नहीं है क्या? चले भी गए, डैम। मुझे यार, मुझे वो आर्मर पे टेनी कॉस्ट चाहिए, तो मतलब कोई दिल विल नहीं है क्या आपके पास? अब सीधा सीधा इसको करो ना यार, आप आग लगाओ, मजा आएगा। ये बल्ले बल्ले, तो शाबा शाबा, पीछे हो जाओ भाई। ये तो रेक्सी भाई, ये लो और मैं यहाँ पे खेलते रहता हूँ, क्योंकि ये सर्वर मेरा और मेरे फ्रेंड का है।
यहाँ पे बहुत सारे गेम मोड्स है लाइक FFA, Lifesteal, Duels, many more. ज्वाइन करना बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आप IP डाल के तुरंत ज्वाइन कर सकते हो. IP डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. जावा, क्रैक्ड, पुजाफ, प्रीमियम सबके लिए सर्वर अवेलेबल है. ज्वाइन करो राइट नाउ. और मैं इस पे कल या परसों स्ट्रीम भी करने वाला हूँ, सो गेट रेडी. और अब टाइम आ गया था वोल्ट से आर्मर लेने का. तो वोल्ट से आर्मर लेने के लिए मैंने ये रोलर कोस्टर राइड बनाया है, जो कि जाके गिरता है एक ऑब्सीडियन बॉक्स में, जहाँ पे मैं उसे ट्रैप करके उससे आर्मर ले लूंगा. बताओ रेक्सी भाई क्यों बुलाया? ये आप देख सकते हो अपने बगल में ये कॉबलस्टोन जा रहा है. ये एक राइड है, रोलर कोस्टर राइड. मैं यहाँ एक एक करके सबको बुला रहा हूँ. अरे पहले चल जाओगे क्या? आओ. एक एक करके सबको यहाँ बुला के रिव्यू ले रहा हूँ उनका, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है. ये धीरे धीरे करके पूरे स्पॉन को कवर करेगा. स्पॉन को कवर करेगा? तुम पूरे स्पॉन का अम्यूजमेंट पार्क बनाने वाले हो क्या? यस यस यस. अरे मजा फिर भाई, बनाओ फिर. आर यू रेडी टू गिव योर रिव्यूज? अच्छा इतने छोटे में रिव्यू देना है? हाँ, ये तो अंदर थोड़ा अंदर है, पहाड़ के अंदर. देखो जा रहा पहाड़ के अंदर से. अच्छा निकलेगा कहाँ? उधर वो पोर्टल देख रहे हो, उधर के आसपास कहीं निकलता है. लाओ दिखाओ दिखाओ. ये लो. बट रुको, मेरे को वहाँ एक्टिवेट करना पड़ेगा ना वो फिकाने का, वरना वेट आगे नहीं जा पाओगे. वेट करना एक सेकंड. कर लो. तो कोई इशू नहीं है, अभी आप निकल सकते हो वहाँ से, आराम से निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है. ओके. ये तो मस्त है. ओके. ये क्या है? ये क्या है? वेलकम. ये देखो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था. ये राइड का कोई पार्ट है क्या? वेलकम होम वोल्ट. भाई ये सारी चीजें मेरे साथ कैसे होती है? देखो वोल्ट भाई, ये पूरा एरिया, चार ऑब्सीडियन के लेयर सराउंडेड है, तो निकलना इज इम्पॉसिबल. आई विल गिव यू टू ऑप्शन. नो चेक. आई विल गिव यू टू ऑप्शंस. ओके. इधर मेरे पोशंस रेडी है, क्रिस्टल रेडी है, मैं यहीं पे मार सकता हूँ. नहीं तो मर जाओ, नहीं तो मेरे को अपना आर्मर दे दो. आर्मर के लिए कर, अरे बहुत अमीर है हम लोग. ये रखा, चल जाओ. मैं गुड टू गो. भाई तू मेरा आर्मर लेके तो जा रहा है, पर लेना काफी आसान होगा, याद रखना कभी भी. वेल हम लोग हमेशा आर्मर उस केव के अंदर थोड़ी रख सकते हैं, तो मैंने आर्मर के लिए एक बेस बनाना स्टार्ट किया. वेल अब बेस रेडी हो गया था, तो आर्मर को रखने का टाइम आ गया था. ये आर्मर ओएस का, इधर 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 एंड इधर. ये आर्मर वोल्ट का, एंड नाम लिख देते हैं दोनों का, वोल्ट ओएस. तो अभी बाकी आर्मर यहाँ लाने बचे थे, तो उससे पहले मैंने कुछ और आर्मर कलेक्ट करने का फैसला किया. यो डीएक्स भाई. अरे हेलो रेक्सी भाई, क्या हाल है? आई नीड योर आर्मर. मेरा आर्मर क्यों भाई? Because ऐसा क्या है मेरे आर्मर में? तो है? बस मुझे चाहिए. मुझे दोनों तरीके आते लेने के. दोनों तरीके? एक तुम्हारे हाथ में देख के समझ आ रहे हैं, दूसरा तरीका क्या है वो बताओ. करवा लोगे? I'm ready to do anything. अरे ज़ॉम्बीज़ क्या ला के दूंगा मैं? ज़ॉम्बीज़ के पास आपको लेके चलता हूँ, अभी तो आर्मर दो पहले. ये लोग ऐसा क्या? सीरियसली? एकदम अभी ले. आर्मर ले तो रहे हो, बट ऐसे मारने के लिए ये तो नहीं कर रहे ना? नहीं भाई. चलो मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रहा हूँ, ये लो. ओके. पता नहीं क्यों DX टीम भाई को ज़ॉम्बीज़ वगैरह चाहिए था, तो मैं उनको उनके ज़ॉम्बीज़ के पास भी लेके चला गया. ये देखो, ये हम लोग पहुंच गए हैं, वो देख सकते हो वही. अरे ये तो वोल्ट का कुछ था ना? हाँ हाँ, आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें. मैं ज़ॉम्बीज़ चाहिए था ना ये. जाओ भाई अंदर जाओ ना, दर्दते हो क्या? अरे 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 नहीं 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 अरे शिट. वेल अभी तक हम लोगों ने 8 लोगों का आर्मर ले लिया था, बस अभी हम लोग को 6 और लोगों का आर्मर लेना था. वेल सेनपाई ने तो मुझे डे 1 पे अपना आर्मर दिया था, तो ये आर्मर सेनपाई का भी हो गया. और आप लोगों को तो पता ही होगा टेडी भाई को मैंने शलकर बैन दे दिया था, तो वो अभी सर्वर में नहीं है, तो उनके लिए आर्मर मैं खुद से क्राफ्ट कर देता हूँ. एंड इसके बाद मैंने कोपी भाई और गिमिट भाई दोनों से उनका आर्मर ले लिया. हेलो कोपी भाई. हाय रिक्सी, क्या हाल है? मैं एकदम बढ़िया हूँ कोपी भाई. और लास्ट टाइम की तरह मैं एकदम मैजिक नहीं दिखाने वाला हूँ आपको, बट मुझे आपका आर्मर चाहिए. मैं आपको एक स्टैक एंशिएंट डेब्रीज दे सकता हूँ, मुझे आर्मर चाहिए. हैं? प्लीज. हाँ लाओ लाओ इधर फेंको भाई. ये लो भाई पूरा एक स्टैक. एक भी नहीं गिर रहा था, गिर गया भाई. ये क्या? ले लो भाई, सब ले लो. अरे थैंक यू. यो गेम बीट भाई. हेलो रेक्सी. हाँ बता क्या काम है? बस आर्मर चाहिए, हो गया. मुझे रात मैं एक मिशन पे आऊँ,
और मिशन फेल हो जाएगा तो, बट मुझे प्लीज इसलिए आर्मर चाहिए। चल मैं दे देता हूँ। थैंक यू ब्रो। अभी तक मैंने 12 लोगों का आर्मर ले लिया था जिसकी वजह से मैं पूरे एसएमपी में वांटेड हो गया था, और अब मैं किसी से भी आर्मर मांगने जाऊंगा तो वो मुझे आर्मर कभी भी नहीं देगा, तो इसीलिए अब हम लोग को दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। और अब मेरे को दो लोगों से ही आर्मर लेना था, सिद्धार्थ और PSG1। तो सिद्धार्थ से आर्मर लेने के लिए मैंने एक वार्डन ट्रैप बनाने का फैसला किया, और इसी के साथ मैं निकल गया वार्डन ट्रैप बनाने के लिए। Warden, bro, follow me, warden. Warden, अंदर जाना, warden, bro. Damage बहुत कम कर रहा है warden, पर इधर आ। Warden, shit. Warden, अरे यार इसके अंदर आ जा यार। Yes, got it. और इसी तरीके से मैंने और भी वार्डन्स ले आया और उन सबको रीनेम कर दिया, और अब टाइम आ गया था सिद्धार्थ को बुलाने का। यो सिद्धार्थ भाई। यो रक्षी भाई, क्या हाल है? मैं ना लोगों में गिफ्ट बांट रहा हूँ बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक गिफ्ट लाया हूँ। क्या गिफ्ट लाया है भाई? चलो दिखाता हूँ मैं। आ जाओ सिद्धार्थ भाई, वी आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसी क्या चीज दिखा रहा है भाई तू? बहुत आपके बहुत काम की चीज है। इट इज वेरी काम की चीज है। यप ठीक है, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ये डर्ट देख रहे हो? देख रहा हूँ जरा देख। हाँ ओ तो ये तेरा सरप्राइज था? यस। तेरे को लगता है कि ये मैं पहुंचाऊंगा। अबे नहीं पहुंचना। अबे मेरा टोटम भी पॉप हो गया। व्हाट द हेल। अब PhD भाई, क्या मुझे अपना आर्मर में दे सकते हो? आर्मर ये ले भाई। एंड इसी के साथ मेरा मिशन टू गेट ऑल दी आर्मर्स कंप्लीट हो गया है, एंड सारे आर्मर मेरे इस वॉल्ट में सक्सेसफुली स्टोर भी हो चुके हैं।